हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड के बच्चों को सावधान करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट परेशान हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, बहुत बच्चे तो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, 100% छोड़ दिए हैं कि एग्जाम नहीं होगा। यूट्यूब पर बहुत सारे फेक न्यूज़ को देख कर परेशान हैं कि सच में हमारा एग्जाम नहीं होगा। तो आप लोग गलती कर रहे हैं, भारी गलती। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। यूपी बोर्ड का ये तो न्यूज़ नहीं है, बट यहाँ पर आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम 2021 तय शेड्यूल पर ही होंगे 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम। इस राज्य ने लिए फैसला, देख लीजिए। एक राज्य अगर फैसला ले लेता है तो ऐसे ही बहुत सारे राज्य इसी स्थिति को देखते हुए पूरा करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम 2021 मौजूदा कोविड-19 परिस्थितियों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जो है YS जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि छात्रों को कोई नुकसान न हो और परीक्षा सुरक्षा के साथ आयोजित की जाए। ये कौन सा बोर्ड है, आप देख सकते हैं। ये न्यूज़ जो है आप देख सकते हैं आज तक पर, जो कि इंडिया का है। आप देख सकते हैं, ये 24 अप्रैल को ही न्यूज़ फेमस हुआ था। आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2021 आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार 23 अप्रैल को कहा कि राज्य में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं तय शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित की जाए, यानी कि टाइम टेबल जारी किया जाए। अब देख सकते हैं, एजेंसी के अनुसार पूरे देश में बढ़ रहे कोविड-19 प्रसार को देखते हुए विपक्षी दलों ने बोर्ड परीक्षा रद्द करने या स्थगित करने की मांग की थी। मतलब कि गार्जियन थे और अन्य विपक्षी दल थे, वो बोल रहे थे कि बोर्ड एग्जाम नहीं कराया जाए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, मगर सरकार ने कहा कि परीक्षाएँ पूरी सुरक्षा के साथ तय समय पर ही होंगी, ठीक है। बोर्ड परीक्षा के साथ डिग्री और इंजीनियरिंग परीक्षाएं भी कोरोना सावधानियों के साथ आयोजित की जाएंगी। कह रहा है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए हम अपनी परीक्षा को लेंगे, एक एक रूम में भले 8 ही बच्चे बैठे, लेकिन हम अच्छे से सावधानी के साथ बोर्ड एग्जाम लेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि जब आंध्र प्रदेश बोर्ड ऐसा करने वाला है तो सभी बोर्ड ऐसे ही इसी स्थिति को देखते हुए अपना टाइम टेबल जारी कर दें। तो आप क्या करेंगे, अपना पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दिए फेक न्यूज़ देख करके। तो आप भारी गलती कर रहे हैं कि आप यहां से भी आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड एग्जाम अपना कराने जा रहा है आंध्र प्रदेश, तो बहुत जल्दी ही ये कराएगा। तो ऐसे ही यूपी बोर्ड भी जारी कर सकता है। तो आप गलती कर रहे हैं कि अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं। बहुत बच्चे छोड़ दिए हैं पढ़ाई लिखाई, हम कमेंट में पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप में भी आ रहा है, यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर रहे हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ऐसा अगर ये आंध्र प्रदेश बोर्ड कर सकता है तो क्यों नहीं यूपी बोर्ड भी कर सकता है। तो आप अपना पढ़ाई में लगे रहिए, आपको यही कार्य है। पबजी खेलना बंद कर दीजिए, अभी से भी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। जब तक कि आपका 20 मई तक आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, मतलब कि एग्ज़ाम किस तारीख तक होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि क्या होगा, तो 20 तारीख तक आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए। ना तो जो भी पढ़ेगा ना एक साल के अंदर, वो सब कुछ भूल जाएंगे। तो आपको मैं यही मोटिवेट करना चाहता हूँ कि सभी बच्चों के पास शेयर कीजिए कि आपको पढ़ाई में लगे रहना है, बैठना नहीं है, ठीक है। और बहुत कुछ इसमें है, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो आज तक यहाँ पर जाइएगा और आंध्र प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम 2021 डालेंगे जैसे ही गूगल पर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और ऐसे ही यूपी बोर्ड भी कर सकता है, इसलिए मैं सोचा कि बच्चों के पास ये शेयर करूँ, ताकि सभी बच्चे बैठ गए हैं ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, उनके दिमाग में ये जो न्यूज़ है थोड़ा घुसे और अपनी पढ़ाई में लगे रहें, ताकि पढ़ाई जो है साल भर का मेहनत बेकार ना बने। तो ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना और चैनल पर जुड़े रहेंगे सब्सक्राइब करके, बेल आइकन एक आता है उसको हिट कर लेना, एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।